Hello students, welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching. Today's our topic is class 11th physics and the name of the topic is circular motion, uniform circular motion. Uniform circular motion is the type of motion. First we discuss about the nature of motion. What type of motion is called circular motion? देखिए motion के chapter में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा motion का पूरा concept हमने clear किया. अब हम उसके कुछ स्पेशल टाइप्स में एंट्री कर रहे हैं जिसमें है सर्कुलर मोशन. एक्चुअली सर्कुलर मोशन इज टू डायमेंशन मोशन. सर्कुलर मोशन इज टू डायमेंशन मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन इज आल्सो टू डायमेंशन मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों क्या होता है, टू डायमेंशन, क्योंकि इसमें बॉडी का जो पोजिशन है वो टू एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेंज होता है. इफ द बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू एनी टू एक्सिस देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन एंड सर्कुलर मोशन इज द टाइप ऑफ टू डायमेंशन मोशन. देन फर्स्ट वी डिफाइन दैट व्हाट इज सर्कुलर मोशन. एक्चुअली इट इज क्लियर टू इट्स नेम दैट इफ द पाथ ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल इज सर्कल देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. नाम से ही क्लियर है कि यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करे तो क्या कहलाता है, वो सर्कुलर मोशन कहलाता है. इसके बहुत से एग्जांपल आपको पता है, व्हील ऑफ द व्हीकल्स, हमारे जितने व्हीकल्स होते हैं उसके व्हील क्या होते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं. मोशन ऑफ द फैन, फैन का मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन ऑल्सो, बाद में उसको पढ़ेंगे अपन. तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि सर्कुलर मोशन का मतलब होता है यदि कोई पार्टिकल क्या करे, किसी सर्कल में मोशन करे. तो सपोज ये सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का हमने रेडियस ले लिया आर, ये सपोज ओ इसका सेंटर है एंड दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल ए एंड लेट आफ्टर टी टाइम सपोज इट्स पोजिशन इज बी. आफ्टर टी टाइम इट्स पोजिशन इज बी एंड क्रिएट एंगल एट द सेंटर इज सपोज डेल थीटा. हियर डेल रिप्रेजेंट वेरिएबल वैल्यू. यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में डेल रिप्रेजेंट किया जाए, डेल लिखा जाए, तो इसके दो मीनिंग होते हैं कि या तो वह क्वांटिटी बहुत छोटी है या तो वो वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब उसका वैल्यू क्या हो, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है. एंड ए टू बी इज सपोज डेल एस, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट. क्लियर. तो यहाँ पर हम देखें इसकी टर्मिनोलॉजी. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्कुलर मोशन में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो क्या क्या होते हैं. फर्स्ट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन में, लीनियर मोशन में, लेकिन यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टी टाइम, द एंगल क्रिएटेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय डेल थीटा. डेल थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी, वेयर डेल एस इज आर्क ऑफ द सर्कल एंड डेल टी इज टाइम टेकन. All values are variable, therefore it is represented by del. Angular displacement. And now next term is, second is angular velocity. Angular velocity. What is angular velocity? Angular velocity is represented by omega and omega equal to del theta upon del t. Clear? Matlab एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इन कैलकुलस फॉर्म. कैलकुलस के फॉर्म में हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यह कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी. दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी एंड रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा. नाउ थर्ड टर्मिनोलॉजी इज एंगुलर एक्सेलरेशन. व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन?
एंगुलर एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी आर ओमेगा इक्वल टू डी ओमेगा बाय अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी इन कैलकुलस लैंग्वेज। तो ये हैं हमारे इसके टर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हम इसमें कुछ छोटे छोटे रिलेशन देखते हैं। सबसे पहला रिलेशन है सम इम्पॉर्टेंट रिलेशन Now first relation is relation between V and omega. That means relation between angular velocity and linear velocity. Here V is linear velocity and omega is angular velocity. Then we find the relation between linear velocity and angular velocity. Now we know that omega equal to del theta upon del t. Omega equal to del theta upon dt. ये हम जानते हैं यहाँ से, क्लियर। अब यहाँ पर देखो हम दोनों साइड में क्या करें, या फिर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, मतलब एक ही है, एक इसको ईजी करता हूँ। सिंस डेल थीटा इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी, ये डेल एस अपॉन डेल टी, सॉरी ये मैं मिस्टेक कर दिया, डेल एस अपॉन आर, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, अब भी होगा ना ये रेडियस, तभी सोच रहा हूँ ये क्या हो गया, ये कहाँ से लिखा है मैंने, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, डेल एस इज आर्क, दिस इज आर्क एंड दिस इज रेडियस, तो ये होगा। नाउ डिवाइडेड बाय डेल टी बोथ साइड, अब हम क्या करते हैं दोनों साइड में डेल टी डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल टी इक्वल डेल एस अपॉन डेल टी इन टू वन अपॉन आर। अब यहाँ पर आप देखो डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये मैंने डेल थीटा अपॉन डेल टी आपको क्या बताया ओमेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा, और डेल एस अपॉन डेल टी को क्या लिख सकते हैं वी, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ ओमेगा इक्वल टू वी इन टू वन अपॉन आर, देयर फॉर वी इक्वल टू आर इन टू ओमेगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा एंड वेरी यूजफुल, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आगे का जो फार्मूला हम डिराइव करेंगे उसमें वी इक्वल टू आर इन टू ओमेगा का बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्लियर। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। नाउ सेकंड रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा, वेयर ए इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ए लीनियर एक्सेलरेशन एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको हम कैसे डिराइव करेंगे देखें, इसको मैंने रिलेशन नंबर फर्स्ट दे दिया और उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में। नाउ डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यदि फर्स्ट रिलेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी वी बाई डी टी इक्वल हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर इन टू ओमेगा, दैट इम्प्लाइज डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन, डी वी बाई डी टी लीनियर एक्सेलरेशन होता है, सब पीछे आप पढ़े हुए हैं, आर को मैं बाहर कॉमन कर दूं तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा अल्फा, तो ए इक्वल टू आर इन टू अल्फा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो क्या है वी और ओमेगा में, ए और अल्फा में, क्लियर। अब यहाँ पर कुछ रिलेशन मैं और को आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। सपोज ये पार्टिकल यदि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो अपने सेंटर पर 2 पाई एंगल से मूव हो जाएगा, दैट मीन्स इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वन रिवॉल्यूशन इज 2 पाई एंड दैट टाइम ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, सपोज टी इज टाइम टेकन। तो ये फार्मूला ध्यान रखना, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी एंड वी नो दैट न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी, दैट मीन्स न्यू इज फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इज फ्रीक्वेंसी एंड वी नो दैट न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी। Now this formula is written as omega equal to 2 pi nu. तो ये दोनों बहुत important relation है, इसको आप ध्यान से समझना। और आगे ये जो chapter है ये chapter बहुत important है, आपको 12th class में भी काम आएगा।
और अभी 11th क्लास का जो लास्ट चैप्टर आप पढ़ोगे ऑक्सीलेशन, वेव्स एंड ऑक्सीलेशन, उसमें इसके पूरे कॉन्सेप्ट। वैसे सर्कुलर मोशन बहुत कॉमन टॉपिक है, कहीं पर भी इसका यूज़ हो जाता है। रोटेशन मोशन में यूज़ होगा, सैटेलाइट में यूज़ होगा, सैटेलाइट का जब रिवॉल्यूशन आप निकालोगे वहाँ यूज़ होगा, तो बहुत सारे पोजिशन में इसके चेंज ये यूज़ होते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सब मेरे PDF में नोट्स में भी अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में नोट्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ, और इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, दिस इज अच्छा। उससे पहले अपन एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इसमें देखो, ये मैं इधर मिटा देता हूँ ना, ये मैं इरेज कर देता हूँ, और हमारा कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। मतलब कोई भी जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये हमको यहाँ पर पढ़ना है। डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, ये हमारा हेडिंग है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल आर बॉडी। पार्टिकल कहें या बॉडी कहें, मतलब एक ही है। तो ये होता क्या है, देखो यहाँ पर ये इसका पोजीशन है और इसका ये सेकंड पोजीशन है। अब यहाँ पर मैं इस दोनों पोजीशन में इसका यहाँ पर मैं दो लाइन ड्रा करूँ, टेंजेंट कह सकते हैं इसको अपन। एक ये लाइन में ड्रा किया, और दूसरा लाइन ये यहाँ पर ड्रा कर दिया। सपोज ये V है या V1 है या V2 है। अब यहाँ पर आप देखो कि सपोज मैंने A को B से इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन किया, मिला दिया, तो A पॉइंट पर ये जो बॉडी का डायरेक्शन है ये V1 है, और एक किस तरह का डायरेक्शन है ये हमको शो करना है, या B पॉइंट पर V2 है या किस तरह का डायरेक्शन हमको शो करना है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल मिल गया OAB, इन ट्राइंगल OAB यहाँ पर हम लिखें एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, या इस ट्राइंगल में हम तीनों इंटीरियर एंगल का सम लिखें, तो एंगल BOA, एंगल BOA प्लस एंगल OAB प्लस एंगल ABO, एंगल ABO इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर आप देखो, दैट इम्प्लाइज ये BOA क्या है, डेल थीटा है, प्लस यहाँ ध्यान देना OA एंड OB बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल, देन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल, देन इट्स एंगल विल बी आल्सो इक्वल। क्लियर, ऐसा सेफ एंगल हो जाएगा। तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब इसको एंगल A, इसको भी एंगल A लिख सकते हैं। तो इसको मैंने एंगल A लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, इसको भी मैंने एंगल A लिख दिया, दैट इक्वल 180 डिग्री, दैट इम्प्लाइज डेल थीटा उधर ट्रांसफर कर दें, तो 2 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस डेल थीटा, दैट इम्प्लाइज 2 को हम ट्रांसफर करें राइट साइड में, तो इसके साथ में डिवाइड होगा, तो डेल इक्वल टू ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस डेल थीटा बाई 2, दोनों में 2 डिवाइड कर देंगे। अब इस रिलेशन को देखो, ये जो थीटा बाई 2 है ये नेग्लिजिबल क्वान्टिटी है, क्योंकि थीटा स्मॉल एंगल है यहाँ पर, और 2 डिवाइड होने के बाद और स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज डेल A इक्वल टू 90 डिग्री, और हमने इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। अब कई लोग के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर AB इक्वल है तो भी 90 हो गया, तो ट्राइंगल का थर्ड एंगल कहाँ गया। एक्चुअल में यहाँ पर डेल थीटा इज नेग्लिजिबल एंगल, नियरली इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में A और B क्या है, कोइंसाइड पॉइंट हो जाएंगे, तो क्या होता है, A 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है कि सपोज ये 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया, तो ये जो V1 लिखा गया है, ये जो V1 लाइन लिखा गया है, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, दिस इज टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। इस एंगल को हमने 90 डिग्री प्रूफ किया तो टेंजेंट हो जाएगा, और यही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल होगा। दैट मीन्स द फाइनल कंक्लूजन इज इफ द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट।
किसी भी पॉइंट पर जो सर्कुलर मोशन करने वाला बॉडी है उसका जो डायरेक्शन है टेंजेंशियल होता है। इसीलिए आपने कुछ एग्जांपल देखा होगा कि जैसे हम बचपन में खेलते थे कि अपने साइकिल के चक्के को पहिए को पानी में डुबा देते थे और पैडल मारते थे और बहुत मजा करते थे, आप लोगों ने भी किया होगा। तो उसमें जो चक्के में पानी होता है वो दूर जब जाता है तो आपने देखा होगा इस तरह से ये जब व्हील घूमता है तो ये वाटर का जो डायरेक्शन है ये इधर होता है, इस तरह से पानी दूर छिटकता है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है। ये आपने देखा होगा कि किसी पत्थर को हम रस्सी से बांध दें, ऐसे गोल 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 घुमाएं और अचानक छोड़ दें तो जिस पॉइंट पर हम छोड़ते हैं उसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो जाता है। या एक बढ़िया एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं, ये जो चक्कू छुरी नाइफ वगैरह धार कराने के लिए जिन लोग गली गली में घूमते हैं उनके पास व्हील होता है साइकिल के पहिए से, तो उसको आपने ऐसा धार करते हुए देखा होगा तो उससे जो चिंगारी निकलती है उसके डायरेक्शन को आपने देखा होगा कि किस तरह से वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता है। दैट मीन्स कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो किसी भी पोजिशन पर उसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। क्लियर? क्योंकि टेंजेंट है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंशियल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर रहना चाहिए क्योंकि आगे सब ये यूज होंगे। देखो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉन्सेप्ट। यदि आप चैप्टर के का, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं सर IIT का प्रिपरेशन कैसे करें, सर JEE का प्रिपरेशन नीट का कैसे करें, कुछ नहीं, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कॉन्सेप्ट। आपके पास जो भी बुक है, जो भी टीचर से आप एक्सप्लेन हो रहा है उसको डेप्थ में जाके आप समझिए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपने फिजिक्स के 50% वर्क कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वहीं से इसका ओरिजिन है, वहीं से इसका शुरुआत है। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और वो है सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर निकालेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स? शॉर्ट फॉर्म में हम CF बोलते हैं। कहीं भी CF में बोलूं तो समझ जाना कि सर सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स होता क्या है? एक्चुअल में जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है, और वही फोर्स, क्योंकि बिना फोर्स के कोई बॉडी मोशन कर नहीं सकता, तो वही जो फोर्स है जो उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? सेंटर ऑफ द पाथ होता है। यह सेंट्रीपेटल फोर्स, दैट मीन्स सेंट्रीपेटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। अभी हम इसका फार्मूला निकाल लें फिर उसको समझाएंगे आपको। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ इमेजिन कर लें कि सपोज ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में हमने 2 पोजिशन यहाँ पर कंसिडर किया। ये एंगल है सपोज डेल थीटा, दिस इज सेंटर, दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब यहाँ पर जैसे अभी हमने पढ़ा तो पॉइंट ए पर हम एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं, ये है पॉइंट ए पर टेंजेंट जिसका डायरेक्शन सपोज V1 है, और पॉइंट बी पर एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं सपोज दिस इज V2। ये पॉइंट को सपोज मैंने C कह दिया। अब इस फिगर को थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा कैलकुलेशन फिगर पर बेस्ड है, और एक फिगर हम यहाँ पर नीचे में इसका और बनाएंगे, दोनों फिगर पर ही बेस्ड है कैलकुलेशन। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना होगा, तो कितना होगा? आप देखो ये 90 डिग्री अभी हमने प्रूफ किया है, ये भी 90 ही क्योंकि दोनों टेंजेंट है, तो 90 180 हो गया। अब इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा क्योंकि रेक्टेंगल का टोटल 360 होगा। तो ये जो अंदर का एंगल है वो हो जाएगा पाई माइनस डेल थीटा। क्लियर? और जब ये पाई माइनस डेल थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा? डेल थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है और टोटल स्ट्रेट लाइन में डिग्री 180 डिग्री बनता है, तो ये पाई माइनस डेल थीटा है तो डेल थीटा होगा, दोनों कैंसिल आउट होकर कितना होगा? ये पाई होगा। अब ये वाला जो पोर्शन है उसका मैं यहाँ से अलग से फिगर बनाऊँ तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। देखिए ये ठीक है, ये फिगर मैं अलग से बना रहा हूँ। कौन सा वाला फिगर आप समझ गए? ये V1 है, ये क्या है? V2 है, और यहाँ पर जो एंगल है उसको हमने अभी बताया डेल थीटा। अब मैं V1 और V2 को कंस्ट्रक्शन करके
मिला देता हूँ और इसको कह देता हूँ डेल भी। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ये पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट को हमने ए वाला लाइन है तो ए कह दिया और बी कह दिया। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल मिल गया ए बी सी। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कंसीडर लिखने के बाद, इट्स कैलकुलेशन इन ट्राइंगल ए बी सी, आर्क इक्वल टू सॉरी एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज डेल थीटा, आर्क इज डेल वी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये वी वन और वी टू दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है बट इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम बिकॉज द मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि मॉड ऑफ वी वन इक्वल टू मॉड ऑफ वी टू, ये दोनों इक्वल हैं और इसको हम सपोज कर लेते हैं किसके, वी के। तो यहाँ पर आप एक अजीब बात सोच रहे होंगे कि ट्राइंगल में एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस कहाँ से आया। तो एक्चुअल में होता क्या है, यदि एंगल बहुत छोटा हो तो ट्राइंगल के सामने वाले साइड को हम आर्क भी सपोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सरफेस ऑफ द अर्थ, आपको मालूम है कि सपोज इस तरह से मैं यदि एंगल बनाऊँ ऐसा स्मॉल एंगल और अर्थ का सरफेस है तो इसको स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, आर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने कभी अर्थ के सरफेस को स्फेरिकल एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, आपको हमेशा वो प्लेन दिखता है। क्यों? क्योंकि हम इतने स्मॉल आर्क में रहते हैं उसके कि हमको उसका स्फेरिकल नेचर पता नहीं चलता। एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट से यदि एंगल बहुत छोटा हो तो सामने वाला जो डेल भी है उसको आप आर्क भी सपोज कर सकते हैं। तो एंगल इक्वल टू हो गया आर्क अपॉन रेडियस, और रेडियस में वी वन वी टू दोनों इक्वल हैं तो हमने किसी एक को लिख लिया, आइदर वी वन आर वी टू, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन, इसलिए हमने मॉड लगाया है। दैट इम्प्लाइज डेल थीटा इक्वल टू डेल वी, और मॉड ऑफ वी वन को हमने क्या सपोज कर लिया, वी। क्लियर? तो यहाँ पर हमने वी लिख लिया। दैट इम्प्लाइज डेल थीटा अपॉन डेल टी, दोनों साइड में हम क्या करते हैं डेल टी को डिवाइड करते हैं, डेल थीटा अपॉन डेल टी इक्वल टू हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी इंटू वन अपॉन वी। दैट इम्प्लाइज, अब आप देखो डेल थीटा अपॉन डेल टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर अपॉन टाइम तो ओमेगा हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इंटू वन अपॉन वी। दैट इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं वी को इधर ट्रांसफर कर दूं तो वी इक्वल टू ए अपॉन ओमेगा भी लिख सकते, ऐसा नहीं इसको ए इक्वल टू लिखता हूं मैं, तो ए इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू ओमेगा। हम इस फॉर्म में भी फार्मूला को लिख सकते हैं, यहाँ पर ए क्या है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है और वो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसके फार्मूला को लगाएं तो इस तरह से लिखेंगे दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू वी, और वी का वैल्यू अपने को पता है वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा भी मैंने डिराइव किया है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आर, ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर। दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज द फार्मूला फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। यह सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन है टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर होता है और इसका वैल्यू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करें सेंट्रीपेटल फोर्स, देयरफॉर सेंट्रीपेटल फोर्स, तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू होता है मास ऑफ द पार्टिकल इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन के वैल्यू को यहाँ से ला के पुट अप कर दें तो देयरफॉर एफ इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, देयरफॉर एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज सेंट्रीपेटल फोर्स, ये सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका फिगर है, आप देखो एक बार मैं रिपीट करता हूँ सेंट्रीपेटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स इज ए फोर्स विच इज नेसेसरी फॉर सेंट्रीपेटल सर्कुलर मोशन, इस डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। ये सिचुएशन आप समझ गए, हम सबसे पहले निकाले ये डेल थीटा और वहाँ पर डेल टी डिवाइड करके इसको वेलोसिटी बनाया इस तरह से और वी इक्वल टू आर ओमेगा पुट किया, तो आसान है इसका कैलकुलेशन ये है। अब आपको मैं एक वर्क दे रहा हूँ
डेली लाइफ में सेंट्रीपेटल फोर्स के एग्जांपल आप रीडिंग करेंगे, आपके बुक में जो भी आपके पास बुक होगा उसमें एग्जांपल्स ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स इन आवर डेली लाइफ लाइक क्रीम सेपरेटर, वॉशिंग मशीन एंड सो ऑन, तो ये बहुत से हैं, इनको पढ़ना है। और आपके पढ़ने के बाद मैं चाहता तो अभी उसको डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाने का एक तरीका है कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एक टास्क देता हूँ स्टूडेंट्स को, अब तुम आप लोग पढ़ोगे उसको, और पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तो उसके रीज़न आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्लियर। तो यहाँ तक आप तैयार करिए, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हम वर्टिकल सर्कुलर पाथ, फिर मोशन ऑफ साइक्लिस्ट, ऐसे बहुत से डेरिवेशन है इसमें, वो सब कंटिन्यूस वन बाई वन करेंगे। ओके, थैंक यू।